हेलो गाइस, स्वागत है आपके कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक खास एक्टर की, सदी के महानायक, लेजेंड, एंग्री यंग मैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर सुपरस्टार्स दैट इंडियन सिनेमा हैज एवर सीन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की, जो आज 80 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और आज भी ही इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम। क्या बात कर रहे हैं इनके बारे में, ऐसा कोई रोल नहीं है जो इन्होंने किया नहीं है। एक्शन, इमोशनल ड्रामा, कॉमेडी, ऐसी कोई भी किस्म की फिल्म नहीं है जो इन्होंने नहीं की है। इजिली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स दिस कंट्री हैज एवर सीन, रादर जैसा कि मैंने कहा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर सुपरस्टार्स दिस कंट्री हैज एवर सीन। और सबसे बड़ी खास बात जो है इनके एक्टिंग करियर की, वो है इनकी लॉन्जेविटी। एट द एज ऑफ 80, जब ऑलमोस्ट 90% एक्टर्स सेमी रिटायरमेंट या कंप्लीटली रिटायरमेंट स्टेज में होते हैं, अमिताभ बच्चन जो है आज भी फिल्म पे फिल्म किए जा रहे हैं। इज क्लियरली एट द टॉप ऑफ हिज गेम इवन नाउ, वेदर इट्स हिज शो कौन बनेगा करोड़पति, वेदर इट्स एंडोर्समेंट्स, वेदर इट्स मूवीज, अमिताभ बच्चन स्टिल कमांड्स द सेम पॉपुलैरिटी एज ही यूज टू डू एट द पीक ऑफ हिज पावर्स। तो आज हम बात करेंगे इनकी कुछ फिल्मों के बारे में जो हमारे हिसाब से इनकी टॉप 25 फिल्म्स हैं। अब ये फिल्म जिनके बारे में हम बात करेंगे वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या रैंकिंग में नहीं होगी, ये वो 25 फिल्म्स हैं जो बस हमें याद रही और हमें लगा कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए उनकी 80वीं वर्षगांठ पर। अमिताभ बच्चन का जो करियर रहा है और उन्होंने जो वाइड वैरायटी ऑफ फिल्म्स की है वो इतनी ज़्यादा है कि उन्हें टॉप 25 फिल्म्स ऑफ अमिताभ बच्चन के अंदर सिकुड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने अटेम्प्ट किया है। अब आई एम श्योर आपकी जो पसंदीदा फिल्म्स होंगी अमिताभ बच्चन की वो कुछ और हो सकती है, बट ये 25 जो हैं हमारे हिसाब से उनकी टॉप फिल्म्स या परफॉर्मेंसेज में से आती है, और वो कुछ इस तरह है। सबसे पहली फिल्म जिसका हम जिक्र करेंगे वो है दीवार, इजिली द फिल्म दैट फर्मली एस्टैब्लिश्ड हिम एज द एंग्री यंग मैन ऑफ द 70s एंड द 80s। द एल्डर ब्रदर, जिसने बचपन में मुश्किलें देखी है, उसने अपनी माँ को पत्थर ढोते हुए देखा है, उसने अपने भाई को स्ट्रगल करते हुए देखा है, किसी भी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को बड़ा करता है, पुलिस वाला बनाता है और खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है गलत कामों के जरिए। किस तरह से भाई और माँ एक तरफ हो जाते हैं और ये एक तरफ रह जाता है, ब्रॉडली फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। दीवार क्लियरली एग्जेम्प्लीफाइड वॉज सिम्टोमेटिक ऑफ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन यूथ इन द मिड 70s, और ये रोल बखूबी निभाया अमिताभ बच्चन ने, चाहे वो धमाकेदार डायलॉग्स हों कि रहीम चाचा आज भी एक खुली हफ्ता देने से इनकार करेगा, या फिर जो कन्फ्रंटेशन सीन हो शशि कपूर का और अमिताभ बच्चन का कि क्या है तुम्हारे पास, और जो शशि कपूर का आइकॉनिक डायलॉग आता है कि मेरे पास माँ है, या वो आइकॉनिक कन्फ्रंटेशन बिटवीन अमिताभ बच्चन एंड गॉड हिमसेल्फ इन द टेम्पल, जहाँ वो जाना प्रेफर नहीं करते नॉर्मली पर जाते हैं क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। ऑल ऑफ दीज आइकॉनिक मेमोरेबल सीन्स मेक इट द ऑल टाइम क्लासिक दैट दीवार इज। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, द सियरिंग इंटेंसिटी इन अमिताभ आईज इज समथिंग टू बी सीन टू बी बिलीव्ड, without a doubt one of his finest performances, and like I said a film that firmly established him as the angry young man. Next हम बात करेंगे अग्निपथ की। अग्निपथ एक ऐसे दौर में आई थी जब अमिताभ हिमसेल्फ वॉज गोइंग थ्रू वॉट आई वुड से मिड करियर क्राइसिस। मुकुल आनंद एक नए डायरेक्टर थे जिनके साथ अमिताभ ने काम किया। इस फिल्म में अमिताभ की जो आवाज़ थी वो अलग थी, उन्होंने अपने वॉइस को मॉड्यूलेट किया था। अगेन इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त थे। दीनानाथ जॉन, पूरा नाम विजय चौहान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। जो सुधर गया हो गया, ऊपर। The confrontation between him and Danny Danzongpa, again that memorable mother-son bond. अमिताभ की कई फिल्मों में उनकी माँ के साथ जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग दिखाया गया, और वो बॉन्ड फिर से इस फिल्म में भी दिखा। अगेन as someone who is wronged in childhood, जो मेहनत मजदूरी करता है लेकिन गलत कामों में फंस कर एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है जिसके खिलाफ उनकी माँ होती है। टू सम एक्सटेंट टेम्पलेट दीवार वाला था लेकिन एग्जीक्यूशन अलग था। अगेन वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज, इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। अग्निपथ अगेन इस क्लियर one of the milestones in his career, a film that was also remade recently with Hrithik and did very well, and a film which continues to inspire a whole generation of actors till today. अगली फिल्म जिसकी हम बात करेंगे वो है आनंद। अब आनंद जो है राजेश खन्ना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस था, विदाउट अ डाउट ऋषिकेश मुखर्जी की फाइनेस्ट फिल्म, और एक बहुत ही बढ़िया रोल मिला राजेश खन्ना को। बट टू स्टैंड आउट लाइक अमिताभ डिड इन अ फिल्म लाइक दिस, जहाँ पे राजेश खन्ना को इतना इंपॉर्टेंट रोल मिला है, टाइटल रोल मिला है, जिसमें उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, एंड येट
टू लीव हिज मार्क एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एक्टर इन द रोल ऑफ बाबू मोशाय, जो कि आनंद, जो कि टर्मिनली इल पेशेंट है जिसको ट्रीट कर रहे हैं, स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द काइंड ऑफ एक्टर अमिताभ बच्चन वॉज. दिस वॉज वन ऑफ हिज अर्लीस्ट फिल्म ऑन अगेन. बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने. वो एंग्री यंग मैन की झलकियाँ आनंद में भी बहुत क्लियरली नजर आ रही है. अगेन अ मस्ट वॉच. जिस अगली फिल्म की हम बात करेंगे वो है शक्ति. इट ब्रॉट दिलीप कुमार एंड अमिताभ बच्चन, टू ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा, फॉर द फर्स्ट टाइम फेस टू फेस एंड अगेन इन कन्फ्रंटेशन विद ईच अदर. तो उन्होंने बाप बेटे का रोल प्ले किया था. दिलीप कुमार जो है एक ईमानदार पुलिस अफसर का रोल प्ले करते हैं. ही इज ऑलमोस्ट लिटरली मैरिड टू हिज जॉब. और अमिताभ जो है वो अपने पिता के प्यार को बहुत क्रेव करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंस अपनी जॉब को दी है और किस तरह से गलत राह में पड़ जाते हैं और फाइनली किस तरह का बाप बेटे का कन्फ्रंटेशन होता है एंड हाउ द फिल्म कल्मिनेट्स इज व्हाट शक्ति इज ऑल अबाउट. अगेन आपको इसमें झलकियां दिखेगी दीवार की भी, लेकिन अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज दैट अमिताभ हैज गिवन. वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स इज व्हेन अमिताभ की माँ, जिसका रोल राखी प्ले करती है, उनकी डेथ हो जाती है. दिलीप कुमार एंड अमिताभ बच्चन आर जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर लुकिंग एट ईच अदर विदाउट अ डायलॉग बीइंग एक्सचेंज. इट्स क्लियरली अ मास्टर क्लास इन सिनेमा एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन अंडर प्ले एंड येट मेक द सीन सो सो पावरफुल. अगेन अ फिल्म विच इज मस्ट वॉच. अगली फिल्म जो है शोले. अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड. आई मीन अ स्टारकास्ट विच फीचर्स संजीव कुमार, धर्मेंद्र, अमजद खान, हेमा मालिनी, जया बहादुरी एंड येट फॉर समवन लाइक अमिताभ बच्चन टू स्टैंड आउट इज रिमार्केबल. ही रियली अंडरप्लेड हिज कैरेक्टर ऑफ जय और बहुत बढ़िया काम किया. ही वॉज अ परफेक्ट फॉइल टू धर्मेंद्रज वीरू. विदाउट अ डाउट अ फिल्म विच इज अ लैंडमार्क इन अमिताभ्स करियर, अ लैंडमार्क इन हिंदी सिनेमा. एंड विदाउट जय वीरू कैनॉट बी कंप्लीट एंड विदाउट जय शोले कैनॉट बी कंप्लीट. सो अगेन अ वेरी क्रिटिकल माइल स्टोन इन अमिताभ बच्चन करियर. अगली फिल्म जिसकी मैं बात करूंगा वो है सरकार. सरकार रामगोपाल वर्मा ने बनाई थी एंड इट वॉज एन अडेप्टेशन ऑफ द गॉड फादर. इट वॉज सेट इन महाराष्ट्र अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स एंड फॉर समवन लाइक अमिताभ बच्चन टू प्ले मार्लन ब्रांडोस कैरेक्टर एट द एज दैट ही डिड and yet played so differently and come up trumps is again something remarkable. It's a fine example of what a brilliant actor can do. Take a role played by someone else and completely make it his own. Give it his own style, give it his own grammar, give it his own language. That's what Amitabh Bachchan did with Sarkar. Again, a film that is a must watch. Har achhai ki koi nirdharit kheemat hoti hai. Woh chahe paisa ho, gyan ho, ya phir dard. अगली फिल्म जिसकी बात करेंगे वो ह्यूज कमर्शियल सक्सेस थी और क्रिटिकली भी लोगों को बड़ी पसंद आई थी और वो है डॉन. डॉन में जो डबल रोल प्ले किया था अमिताभ ने, एक सिंपलटन का जो स्ट्रीट प्लेस करता है और एक डॉन का जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है. सुपर्ब गाने, बहुत बढ़िया डायलॉग्स और एक बहुत बहुत बढ़िया फिल्म एंड अ सुपर्ब परफॉर्मेंस. डॉन इज व्हाट गुड कमर्शियल सिनेमा इज ऑल अबाउट. अगली फिल्म जिसकी हम बात करेंगे वो फिर से ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म है चुपके चुपके. अगेन अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र टुगेदर क्रिएटिंग मैजिक ऑन स्क्रीन एज धर्मेंद्रस बम्बलिंग फ्रेंड. दिस फिल्म ब्रॉट आउट द कॉमिक साइड ऑफ अमिताभ बच्चन एंड अगेन बोथ ऑफ देम टुगेदर वर मैजिक ऑन स्क्रीन. एंड व्हेन यू हैव ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्टिंग देम यू क्लियरली हैव मैजिक ऑन स्क्रीन. अगेन वन ऑफ द मस्ट वॉच फिल्म्स फ्रॉम अमिताभ बच्चन फिल्मोग्राफी. यू विल सी अ डिफरेंट साइड टू हिम इन चुपके चुपके. अगली फिल्म जिसकी हम बात करेंगे सत्य पे सत्ता. अगेन डबल रोल, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. एक जो है सबसे बड़ा भाई है सात भाइयों में से और दूसरा जो है एक क्रिमिनल है. फिल्म में बेसिकली सात भाइयों की किस तरह से लोग साथ रहते हैं, बीच में एक गैप आता है जहां ये बिछड़ जाते हैं और किस तरह से साथ में वापस आते हैं. अगेन इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ अ डबल रोल शुड बी प्लेड. इन फैक्ट इन दोनों के कैरेक्टर्स में सिवाय आंखों के रंग के कुछ भी अलग नहीं है एंड येट व्हेन यू सी बोथ ऑफ देम ऑन स्क्रीन यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस अगेन बाय अमिताभ बच्चन. अगली फिल्म जिसकी मैं बात करूंगा वो है कभी कभी. यश चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी एंड हियर यू सी द रोमांटिक साइड ऑफ अमिताभ बच्चन. इसमें शायर का रोल प्ले करते हैं, अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाते हैं, उन्हें मजबूरन शादी करनी पड़ती है वहीदा रहमान से और राखी जिन्हें वो प्यार करते हैं उनकी शादी हो जाती है शशि कपूर से. अ वेरी कॉम्प्लेक्स बट अ वेरी मच्योर लव स्टोरी, ब्यूटिफुली फिल्म बाय यश चोपड़ा. अगेन ब्रिंग्स आउट अनदर साइड टू अमिताभ बच्चन्स एक्टिंग. ब्रिलियंटली परफॉर्म, वेरी गुड सॉन्ग्स, वेरी गुड एक्टर्स, अ वेरी गुड एंसेंबल कास्ट मेक्स दिस अ परफेक्ट फिल्म. अब तक आपने रियलाइज किया होगा कि अमिताभ बच्चन की कई सारी फिल्में एंसेंबल कास्ट थी एंड फॉर हिम टू स्टैंड आउट इन ऑल ऑफ दीज फिल्म्स डिस्पाइट हैविंग सच हैवीवेट एक्टर्स
makes him the superstar that he is, and also shows that he could hold his own against the best that Indian cinema had to offer. Agli film ki jo main baat karunga wo hai Piku. As someone who's constantly struggling with digestive issues and a grown-up daughter who's not marrying but wants to take care of him, he plays this irritating old man to perfection. Again, for him to pull off a role like this at that age is simply phenomenal. Truly shows what a great actor he is. Ek aur ensemble film hai Amitabh Bachchan ke career ki jisme unhone bahut badhiya kaam kiya hai aur wo hai Trishul. Directed by Yash Chopra, this also features Sanjeev Kumar, Shashi Kapoor, Rakhi and Hema Malini. Amitabh Bachchan plays the illegitimate child of Sanjeev Kumar. Again, someone who's very close to his mother, is harboring a lot of angst against his father because he had abandoned them and his mother passed away when he was a child. A role which Amitabh Bachchan again has played to perfection. Brilliant dialogues, brilliant songs, and a film that is a must watch. Again, reaffirms Amitabh Bachchan's claim to the Angry Young Man title and the fact that this title cannot belong to anyone else but him. Ek aur Yash Chopra directed film hai Kala Patthar. Again, an ensemble cast featuring Shashi Kapoor, Shatrughan Sinha, Neetu Singh and Rakhi, जिसमें बहुत ही बढ़िया काम किया अमिताभ बच्चन ने. A man who was fighting his devils from the past and man who was sacked from the army because he had abandoned his team during a mission, and now someone who is seeking redemption by working in these mines with these small time laborers is what this film is all about. अमिताभ बच्चन ने बहुत बढ़िया काम किया. The anger, the searing anger that you can see in his eyes in Deewar is something that is again visible in Kala Patthar. Again, a role that you cannot imagine anyone else doing but अमिताभ बच्चन. अगली फिल्म है पिंक, जिसमें एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं someone who's forgetful, someone who's absent minded, but he goes out and defends these friends, these three girls in court where they have been accused of hitting a few boys, whereas the fact is that they only retaliated in defense because the boys were about to molest them. A brilliant performance. He literally holds the courtroom scenes together on his own. You won't see melodrama, you won't see heavy duty dialogue bazi, but very very subtle but firm acting. And for again, for someone like him to play this kind of a role at this age and perform so well is brilliant. He literally shouldered the entire film alone. Of course, he had very good company from Tapsee and Kirti Kuladi, but Amitabh Bachchan was phenomenal again in this film by Shujit Sarkar. Aks, jaise Rakesh Somprakash Mehra ne direct kiya tha, jo ki ek supernatural thriller thi in which Amitabh was pitted opposite Manoj Bajpayee and he had Ravina Tandon for company and along with Nandita Das. Again, brilliant performance as a police inspector who's hot on the trail of this criminal, how he's entangled into this case and how the supernatural element is introduced and how he exchanges role with Manoj Bajpayee is broadly what the crux of this story. Again, a brilliant dance performance in one of the songs, brilliant acting, and a very different kind of film to what Amitabh had been doing. This film again is something that you should be proud of. Pa, directed by Balki, he plays Abhishek's son. As if there was any role left for him, that he actually is now playing his own real life son's son in the film Pa, who's suffering from a rare disorder wherein he ages much faster than normal kids. Brilliant performance. To pull off that kind of role at that age and with that kind of a getup is something to be seen, to be believed, and that is why this man continues to surprise you. At an age where people are almost retired from films, this man has gone ahead and given us films like Pa to be proud of. Prakash Mehra ne jo direct ki thi Mukaddar ka Sikandar, wo agli film hai hamare list mein. Again an ensemble cast, Rakhi, Rekha, Vinod Khanna, Amjad Khan. बहुत ही बढ़िया कास्ट थी, बहुत ही बढ़िया गाने थे, एंड अमिताभ कंटिन्यूज इन दैट जोन ऑफ द एंग्री यंग मैन एंड प्लेज दैट रोल सो ब्यूटिफुली वेल. दिस पेयरिंग विद विनोद खन्ना इज ऑल्सो अ वेरी हिट पेयरिंग. अ लॉट ऑफ मूवीज दे हैड गिवन टुगेदर वर ह्यूज हिट्स एंड मुकद्दर का सिकंदर इज डेफिनेटली वन ऑफ देम. द मनमोहन देसाई डायरेक्टेड अमर अकबर एंथनी, द क्लासिक लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला विद विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, शबाना आजमी एंड परवीन बॉबी. अमिताभ बच्चन अगेन एक्सेल्स एज दैट कैथलिक गुन हुज इन कॉन्स्टेंट फाइट विद विनोद खन्नास कैरेक्टर. He played the comedian, the buffoon, and the action hero here all together. And Amar Akbar Anthony wouldn't have been the same without Anthony Gonzalez, or that iconic scene when he looks into the mirror and tries to apply a lotion to himself. Brilliant again, an all-time classic. Prakash Mehra's Zanjeer is next on the list. The first film which firmly planted Amitabh Bachchan as the angry young man, a role that had been rejected by many, including Rajkumar Devanand and some more actors, but something that Amitabh took up, paired along with Jaya Bhaduri. Then Amitabh Bachchan did a brilliant job in Zanjeer. Again, some of those iconic dialogues like ye police station hai tumhara baap ka ghar nahi. Jab tak baithne ko na kaha jaye sharafat se khade raho. Ye police station hai tumhare baap ka ghar nahi. Aur his chemistry with Pran,
brilliant. Zanjeer is the film that firmly established Amitabh as someone who must be looked out for, as someone to watch out for, and from then on it was no looking back. Rajkumar Santoshi's Khaki, again an ensemble cast featuring Akshay Kumar, Tushar Kapoor, Aishwarya Rai, Ajay Devgan and Amitabh himself. He played the aging police commissioner who's never got his due in his career, and the final few days of his police career he has to capture a dreaded criminal and bring him back safely to court. What transpires while he's out capturing this criminal and till he finally makes him reach court is what this film is all about. As someone who's suffering from asthma yet hot on the trail of this criminal, Amitabh Bachchan delivers a fantastic performance in this film, and like I said, the way he has kept on pushing the boundaries with every film, even towards the latter half of this career, is something that a lot of actors need to learn from. Sanjay Gupta's Kaante, an adaptation of Quentin Tarantino's Reservoir Dogs, again an ensemble cast featuring Sanjay Dutt, Sunil Shetty, Kumar Gaurav, Mahesh Manjrekar and Lucky Ali. Amitabh Bachchan again shines in this ensemble cast, a very different kind of a role from what he's used to doing. He stands head and shoulders above the rest of the cast, and he actually makes this film watchable and very, very entertaining. Again, a very important film in his filmography. Baghba, directed by Ravi Chopra, which is like a modern day version of Avatar featuring him and Hema Malini. A brilliant, brilliant performance. A very different kind of a performance of a father who's let down by his children, who separate the parents, and how these parents come together, and eventually how his character becomes successful, and now he does not own his children because of the treatment they've meted out to him. A very, very emotional story, a brilliant performance, a performance that really stood out and appealed to one and all. I mean, if you ask me, this film is like a romantic story between two senior citizens, and for someone like him to pull off a film like this, dance, sing songs, recite poems to his lover, and make this all look so convincing at his age, is something again that he can be proud of. Black by Sanjay Leela Bhansali, featuring him as a tutor who can teach children who are deaf, dumb and blind. He's again given a brilliant, brilliant performance as a tutor to Krani Mukherjee's character, and then towards the end how he loses his memory to Alzheimer's, and how his student Rani Mukherjee, who's blind, deaf and dumb, starts teaching him so that he can communicate with people, is a very, very emotional story. Again, a very, very different kind of role, brilliantly performed by both Amitabh Bachchan and Rani Mukherjee, and again is a live example of how much he's pushed himself as an actor towards the latter stages of his career. Chini Kam by Balki, again a very interesting film. He falls in love with Tabu, who's much younger to him. In fact, Tabu's father, played by Paresh Rawal, is almost of the same age as Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan is a chef, and how he falls for Tabu and how Tabu reciprocates his love is what this film is about. Again, a love story at that age, and such a different kind of love story. It was like a breath of fresh air when it released. Some lovely music and brilliant performances. Chini Kam is again a film you should not miss. And last but definitely not least, Hrishikesh Mukherjee's Namak Haram. Again, he was paired with Rajesh Khanna, and this time both of them had an almost equal role, and both of them performed brilliantly. As Vicky, Rajesh Khanna's friend, Amitabh Bachchan has done a brilliant job, and again the camaraderie between the two, exactly like it was in Anand, was electric in this film as well. Without a doubt, Hrishikesh Mukherjee has used Amitabh and Rajesh Khanna together very, very well, and both, whenever they've come together, are like magic. So these are the top 25 films in Amitabh's career according to us. We'd love to know what you feel are some of the best performances of Amitabh in his career. Do let us know in the comment section below. But like I said earlier, his career is so huge, so great, that it cannot be restricted to just these 25 films, but these 25 according to us are his topmost performances. There are lots more that we may have missed out, but the important point is, on a day like this, we celebrate the icon, the superstar, the legend that Amitabh Bachchan is, because there has been no other as great as him, and I doubt there will be another as great as Amitabh Bachchan. If you like our video, please do subscribe to our channel and do share our video with friends and family. For many more such videos, please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you. इसीलिए मैंने अपने आप को शत्रु रखा है, शत्रु वार्तस रहना मी मागे हटना नहीं।